स्वामी प्रसाद मौर्य का इफेक्ट नेग्लिजिबल होगा, और 1%, 2%, 1.5% जो भी वोट काटें। और मैं समझता हूं कि जयंत चौधरी का भी नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि उनके पास भी 1.78 या 1.8% ही वोट जो है अपने खाप का है। बाकी वहां का जो आपका क्या कहते हैं जाट समुदाय है, वो बलियान और दूसरे खापों का है, वो पमार खाप का नहीं है। पमार खाप के हैं ये, माइनॉरिटी में है, जो दूसरे के साथ है। किसान आंदोलन और सत्यपाल मलिक का कांड होने के बाद वहां के जाटों का बीजेपी को कितना समर्थन मिलेगा, ये भी चुनाव में देखने वाली चीज होगी। अगर ये फर्ज किया जाए कि अखिलेश यादव और कांग्रेस, सपा और कांग्रेस एक तरफ लड़े, जयंत एनडीए में आ जाए, बहन जी एक तरफ लड़े, और मौर्या साहब की नई पार्टी है, पूर्वांचल में थोड़ा सा उनका बेस होगा, वो सब सारी पार्टियां मिलकर लड़े, तो सोशल बेस के हिसाब से एज ऑफ नाउ आज की तारीख में अगर हम एनालिसिस करें, बसपा तो अलग ही लड़ेगी, तो मतलब कौन सा वोट सेगमेंट का कहाँ जाएगा? दिल्ली में 4 सीट पे आप लड़ेगी, 3 पे कांग्रेस लड़ेगी, और चंडीगढ़ सीट जो है आपने कांग्रेस को छोड़ दिया है। पंजाब में ये समझौता नहीं करेंगे, वो इसलिए भी नहीं करेंगे कि वहां पे इन्होंने अपना ही इनपुट लिया था कि अगर हम लोग समझौता करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि दोनों का निचला कैडर इतना एक दूसरे का दुश्मन हो चुका है कि समझौता करेंगे तो नाराज होकर कहीं तीसरे के गोद में बैठ जाएगा। संघमित्रा मौर्य को लेकर के कोई जो समझौता नहीं हुआ बदायूं सीट को लेकर के, तो ये इनके नाराजगी का मुख्य कारण था। अब रहा दल बनाने का, तो अब इनका दल भी राजभर एक महान पार्टी है जिसके नेता है केशव देव मौर्य, वो भी कुर्मी, वो कोयरी बिरादरी के हैं, कुशवाहा बिरादरी के हैं। वो जो है अखिलेश के साथ है, बीच में नाराजगी हुई थी, फिर अखिलेश के साथ है महान दल। आपके इसी तरह जो है राजभर हैं, तो राजभर के बारे में कभी है कि बीएसपी में शामिल हो जाते हैं, कभी वे बीजेपी में शामिल हो गए, तो फिर क्या है, तो अभी जो है इधर ही हैं, उनको मंत्री नहीं बनाया गया, तो उनका भी डामाडोल चल रहा है। किसी दिन सोशल मीडिया में उठती है कि राजभर अखिलेश के साथ मिलेंगे, बीजेपी को बड़ा झटका, किसी दिन बीजेपी के साथ है, किसी दिन अमित शाह से मिलते हैं, मतलब वो कंट्रोवर्सी में लगातार मामला चल रहा है। स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में चले गए और इनकी बेटी भाजपा में बनी रही, आज तक उन्होंने शायद रिजाइन नहीं किया है। नैतिक रूप नहीं से जब आप किसी भी राजनीतिक दल के विचारधारा के आधार पर विरोध कर रहे हैं तो आप रिजाइन कीजिए उस पार्टी से, नहीं आप तो उस बेटी पार्टी कहाँ रिजाइन कर रहे हैं, उनका तो अपना व्यक्तिगत पॉलिटिकल इंडिविजुअलिज्म भी तो है, उनकी अपनी विचारधारा हो सकती है, नहीं वो नहीं तो कल को अगर उनको समाजवादी पार्टी अगर सीट का ऑफर करेंगी जैसा कि जेपी सिंह बता रहे हैं तो उस समय सारा विचारधारा खत्म हो जाएगा। जो लोग ज्यादा बोलते हैं अक्सर उनको जो है उनके पर छंट जाते हैं, या वो आला कमान की नजर से गिर जाते हैं, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, समाजवादी पार्टी हो, जिस बीएसपी से आए हैं वहां पर भी बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। कहते हैं दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, राजनीति के बहुत सारे पेच, दांव पेच उत्तर प्रदेश में उलझे हुए हैं। हो गए तमाम अटकलों के बावजूद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच गठबंधन हो गई, खबर के हिसाब से 17 सीटों पे कांग्रेस लड़ेगी, लेकिन आज एक नई पार्टी का गठन हुआ है, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी। स्वामी प्रसाद मौर्या ने इस पार्टी का गठन किया है, ताल कटोरा स्टेडियम में आज उसका उद्घाटन था, उसमें जो हमने सुना पढ़ा कि 40 छोटे छोटे दल उसमें शामिल हुए थे। भाषण में उन्होंने ये भी कहा कि हम इंडिया अलायंस को मजबूत करेंगे। पेच ये है कि इंडिया अलायंस में अखिलेश प्रसाद यादव है, अखिलेश यादव है, जयंत अभी निकले हैं लेकिन अभी औपचारिक रूप से अभी एनडीए उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, सीट का पेच वहां भी फंसा हुआ है। बीएसपी का अभी तक जो हालत है वो किसी भी गठबंधन में जाने के लिए तैयार नहीं। नई नई पार्टी है स्वामी प्रसाद मौर्य साहब की, कह रहे हैं कि गठबंधन को मजबूत करेंगे, इंडिया अलायंस को मजबूत करेंगे, कैसे मजबूत करेंगे, उत्तर प्रदेश में सीटों को लेकर क्या होगा, सोशल कॉम्पोजिशन किस तरह का हो, किसका वोट किस तरफ, ये तमाम पहलुओं को समझना है। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य अगर उनको इंडिया अलायंस में सीट नहीं मिला तो उनके जो गठबंधन दल होंगे, चंद्रशेखर भी है नगीना में, वो डटे हुए हैं, तो क्या ये मिलके एक और अलायंस बनेगा? अगर ऐसी स्थिति हुई तो एक तो इंडिया अलायंस हुआ,
एक बीएसपी हुई, एक और अलायंस हुआ और जयंत संभवतः एनडीए में जाएंगे। क्या बनेगा उत्तर प्रदेश की पूरी तस्वीर, ये समझने की कोशिश है। संदर्भ है स्वामी प्रसाद मौर्य का नई पार्टी का गठन। दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। दो खास मेहमान जेपी सिंह साहब और संजीव पांडे साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ताजा ताजा अभी थोड़ी देर पहले भाषण खत्म हुआ है स्वामी प्रसाद मौर्य साहब का, हमने सुना काफी हद तक। जरा समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यूपी में काबा। स्वागत है सर जी। तो सबसे पहले जेपी सिंह साहब से, ये तो उत्तर प्रदेश में है, इलाहाबाद में है, सरगर्मी क्या है सर? राहुल गांधी की न्याय यात्रा बड़ी जोर शोर से भी रही है उत्तर प्रदेश। देखिए, राहुल गांधी की न्याय यात्रा में जबरदस्त भीड़ हो रही है, उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी हुई और उसके पहले जहां जहां से चली, जहां से पहुंची, वहां सब जगह हुई जी। ये चुनाव बताएगा कि वो वोटों में कितना कन्वर्ट होती है। लेकिन बात कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य के नाम से इंडिया गठबंधन की है। इंडिया गठबंधन जब से बना, जब से बनने की प्रक्रिया शुरू हुई, तब से रोज जो है इसका मर्सिया पढ़ा जाता था गोदी मीडिया में, ये बनेगा नहीं, ये चल नहीं पाएगा। और जब नीतीश कुमार मित गए तब से तो इसको बिल्कुल खत्म मान लिया गया और लगातार ये कहा गया कि राहुल, ये जो है आपके अखिलेश यादव से इनका समझौता नहीं होगा। तरह तरह की खबरें सोशल मीडिया से लेके जगह जगह प्लांट हुई, लेकिन कांग्रेस के बड़े नेताओं ने कभी नहीं कहा कि ये गठबंधन खत्म होगा। उन्होंने कहा समय आते घोषणा की जाएगी। अखिलेश ने भी अपने मुंह से ये नहीं कहा कि गठबंधन खत्म हो गया, हमारी कोई बात नहीं। वो एक अलग बात है कि उन्होंने अपने हिसाब से कैंडिडेट घोषित करने शुरू किए, उसको भी इन लोगों ने कहा कि साहब गठबंधन खत्म हो गया। अब स्वामी प्रसाद मौर्य पर आइए जी। देखिए, बदायूं की सीट ऐसी सीट है जिसे लेकर के काफी जो है आपका क्या कहते हैं सपा में या गठबंधन में या आपके और दलों में और नेताओं में विवाद है। क्यों? क्योंकि बदायूं की सीट मूलतः कांग्रेस से सलीम शेरवानी जीतते रहे। बदायूं में धर्मेंद्र यादव खड़े हुए और सलीम शेरवानी चुनाव हार गए। तब भी उसके बाद सलीम शेरवानी कांग्रेस में रह के उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन वो जो है वो क्या कहते हैं वो सपा से टिकट कट गया तो कांग्रेस में आ गए। पहले कांग्रेस से एमपी थे वहां, बाद में कांग्रेस से लड़े तो वो जो है वो क्या कहते हैं धर्मेंद्र यादव के मुकाबले चुनाव हार गए। पिछली बार तो तीसरे स्थान पर पहुंच गए थे क्योंकि पहले स्थान पर स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी बीएसपी से टिकट पर चुनाव जीत गई थी, संघमित्रा मौर्य, बीजेपी के, और ये भी हार गए थे आपके क्या कहते धर्मेंद्र यादव भी हार। हालांकि इसके बाद जो है ये सलीम शेरवानी फिर जो है कांग्रेस से आ गए आपके सपा में। अब दो इलेक्शन एक साथ, एक तो केंद्र का वो होने वाला लोकसभा का इलेक्शन, एक राज्यसभा का इलेक्शन हो गया। राज्यसभा में अखिलेश ने पीडीए बनाया तो कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल को था कि उनकी माता जी जिनको राज माता कहा जाता है कृष्णा पटेल, उनको जो है वो क्या कहते हैं लोकसभा उसमें भेजा जाएगा राज्यसभा में, तो कृष्णा पटेल का नाम नहीं आया तो पल्लवी पटेल नाराज हो गई और उन्होंने सीधे सीधे पीडीए पर अटैक किया कि जो पिछला दलित और जो है अकलियत जो तीन मिला के पीडीए का एक हिंदी का संस्करण का नाम है तो उसमें जो है वो भाई दलित तो रामजी लाल सुमन थे लेकिन पिछले वर्ग में कोई नहीं है, वो कोई नहीं क्योंकि जया बच्चन बंगाली लाला है और इलाहाबाद के लाला से ब्याही है या प्रतापगढ़ के लाला से ब्याही है तो लाला हो गए और आलोक रंजन भी लाला है तो दो लाला हो गए एक दलित हो गए। तो ये मौका मिला भाई राज्यसभा में न कृष्णा पटेल भेजी गई और न सलीम शेरवानी को थी कि भाई अगर बदायूं की सीट ये फिर से धर्मेंद्र यादव को देंगे तो उनको जो है हो सकता है कि जो है राज्यसभा में भेजा जाए, उनको भी नहीं भेजा गया, वो भी नाराज हो गए, पल्लवी पटेल भी नाराज हो गई और अब देखिए अंत में उनकी नाराजगी और उसके कारण स्वामी प्रसाद मौर्य भी नाराज हो गए क्योंकि वो बीजेपी में थी संघमित्रा मौर्य और स्वामी प्रसाद मौर्य इधर आ गए थे, आने के बावजूद न उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया था और न ये था कहीं ना कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य भी चाहते थे सिटिंग होने के नाते उन्हीं को सपा अपना कैंडिडेट बना दे, अंदर खाने की बात ये है तो संघमित्रा मौर्य को भी नहीं बनाया। तो अब
यहाँ पर ये मामला फंस गया कि सब इतने लोग इस कारण से सब नाराज हो गए, तो स्वामी प्रसाद मौर्य से नाराज हो गया। और दूसरी बात यह कि सपा में या किसी भी दल में बोलने पर प्रतिबंध है, बड़बोलेपन के ही कारण इतने सीनियर नेता होकर के मणिशंकर अय्यर किनारे पड़े हुए, और जो लोग ज्यादा बोलते हैं अक्सर उनको जो है उनके पर छंट जाते हैं या वो आला कमान की नजर से गिर जाते हैं, चाहे कांग्रेस हो, भाजपा हो, समाजवादी पार्टी हो, जिस बीएसपी से आए हैं वहां पर भी बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। लेकिन अब यहाँ आकर के जरूरत से ज्यादा और कंट्रोवर्सियल स्टेटमेंट लगातार, आजकल जो है धर्म के प्रति जो है वो लोगों ने, जितने भी राजनीतिक दल हैं चाहे वो कितने भी जो है वो धर्म निरपेक्ष हो, सब ने एक साफ जो है रवैया अपना रखा। कोई ये नहीं चाहता कि धर्म के नाम पर जो है उनको कॉर्नर किया जाए, क्योंकि सब जानते हैं कि बहुसंख्य आबादी जो है वो हिंदू ही है। तो ये भी कभी किसी पर जो है स्वामी प्रसाद मौर्य बोलते थे, होता था कि भाई इनका अपना बयान, इनसे कहा जाता था कि भाई आप पार्टी लाइन से हटके कुछ मत कहिए, तो वो तो एक बहाना था। असली बात तो ये थी कि संघमित्रा मौर्य को लेकर के कोई जो समझौता नहीं हुआ बदायूं सीट को लेकर के, तो ये इनके नाराजगी का मुख्य कारण था। अब रहा दल बनाने का, तो अब इनका दल भी राजभर एक महान पार्टी है जिसके नेता है केशव देव मौर्य, वो भी कोयरी बिरादरी के हैं, कुशवाहा बिरादरी के हैं, वो जो है अखिलेश के साथ है, बीच में नाराजगी हुई थी, फिर अखिलेश के साथ है महान दल। आपके इसी तरह जो है राजभर हैं, तो राजभर के बारे में कभी है कि बीएसपी में शामिल हो जाते हैं, कभी बीजेपी में शामिल हो गए, तो फिर क्या है, तो अभी जो है इधर ही है, उनको मंत्री नहीं बनाया गया, तो उनका भी डावाडोल चल रहा है। किसी दिन सोशल मीडिया में उठती है कि राजभर अखिलेश के साथ मिलेंगे, बीजेपी को बड़ा झटका, किसी दिन बीजेपी के साथ है, किसी दिन अमित शाह से मिलते हैं, मतलब वो कंट्रोवर्सी में लगातार मामला चल रहा है। इसी तरह उत्तर प्रदेश में एक पीस पार्टी हुआ करती थी, कभी वो वोट कटवा बहुत बड़े पैमाने पर थी, आज पता नहीं कहाँ है, है लेकिन वो भी। इसके अलावा यूडीएफ होता था, एक जो है आपके क्या कहते हैं कुरैशी साहब थे मेरठ के, जो पहले बीएसपी में थे, वो यूडीएफ बनाया था उन्होंने, बीपी सिंह का भी उसको आशीर्वाद प्राप्त था यूडीएफ का। यूडीएफ भी एक दो इलेक्शन में जो है वोट कटवा के जो है क्या कहते हैं भूमिका में रही, और काफी मुसलमानों का वोट काट के हराने जिताने में योगदान करती रही। तो इस तरह जो है इनकी पार्टी के पास वोट बैंक कहाँ है, क्योंकि पूरा कोयरी समाज जो इनका अपना समाज है वही तीन प्रमुख नेताओं, चार प्रमुख नेताओं के बीच बटा हुआ है। कुछ बाबू सिंह कुशवाहा के पास लोग हैं, कुछ स्वामी प्रसाद मौर्य के पास हैं, कुछ केशव प्रसाद मौर्य के पास हैं जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और कुछ महान दल के भी, उनका भी नाम केशव देव मौर्य है, उनके पास है। तो उस तरह का वोट बैंक तो बचा नहीं, और जो 40 पार्टियां जो भी इनके साथ शामिल हुई थी वो सब तथाकथित पार्टियां हैं, जो जिनका जो है वोट जो है उसका शेयर निर्दलियों से भी कम है। तो इसलिए ऐसी स्थिति में ये क्या करेंगे। और दूसरा जो इन्होंने भाषण दिया कि महागठबंधन को मजबूत करेंगे, तो फिलहाल तो महागठबंधन में इनको कहीं जगह मिलती दिख नहीं रही है। और जो इनके दल के लोग हैं वो कहां से खड़े होंगे, कैसे खड़े होंगे, कौन सा उनको समर्थक होगा। एक जो है जय गुरुदेव हुआ करते थे, उन्होंने भी एक दूरदर्शी दल बनाया था उत्तर प्रदेश में, दूरदर्शी पार्टी, उसके भी कैंडिडेट्स पूरे उत्तर प्रदेश के सभी सीटों पर खड़े होते थे, लेकिन 3-4% वोट तक वो जो है क्या कहते हैं जय गुरुदेव की पार्टी 4-4.5% वोट तक खींचती थी, तो कई जगह वो हराने जिताने में भी काम, मतलब क्या कहते हैं काम कर रही, लेकिन वो हाशिए पर रह रही। जय गुरुदेव के समापन के साथ उसका भी, दूरदर्शी पार्टी का भी समापन। तो इस तरह जो 40 इनसिग्निफिकेंट पार्टियों को लेके, 40 नहीं आप 100 की गिनती गिना दीजिए, लेकिन उनका वोट शेयर क्या है, उनका समाज में जो है जानते कौन है, उनको जानता कौन है, ये सब बातें महत्वपूर्ण है ना। इन सब को देखते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो भी पार्टी खड़ी की है वो अब आगे आने वाले समय में पता चलेगा, लेकिन मेरे हिसाब से तो उसका डिसमिल परफॉर्मेंस ही रहने वाला है। संदीप जी, 40 पार्टियां, छोटी छोटी पार्टियां एक साथ आई, क्या सीरियस राजनीतिक विकल्प पेश होगा या मिला जुला के वोट ही कटने का मामला होगा? कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस को हम मजबूत भी करेंगे, मजबूती देंगे, कैसे? उनका जो वोट बैंक है जिसपे वो क्लेम कर रहे हैं वो इंडिया अलायंस का वोट बैंक है, तो इंडिया अलायंस को मजबूती कहाँ देंगे? इंडिया अलायंस का वोट काटेंगे वो तो बीजेपी की मदद करेंगे बैठ के। अगर
जिस तरह का जो सोशल फैब्रिक के हिसाब से वो गठबंधन बना रहे हैं, वो सोशल फैब्रिक में तो इंडिया गठबंधन का नुकसान करने को बैठे हुए हैं, वो तो बीजेपी की मदद हो जाएगी पहली बार। दूसरा बड़ा एक इम्पोर्टेंट मुझे सवाल है दो बंदों को लेकर, अगले सेगमेंट में जेपी सिंह जी से मैं चाहूंगा इससे जवाब, मैं सिंपल चर्चा कर रहा हूँ कि स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी में चले गए और इनकी बेटी भाजपा में बनी रही, आज तक उन्होंने शायद रिजाइन नहीं किया है। नैतिक रूप से जब आप किसी भी राजनीतिक दल के विचारधारा के आधार पर विरोध कर रहे हैं तो आप रिजाइन कीजिए उस पार्टी से। आप तो बेटी कहाँ रिजाइन कर रहे हैं, उनका तो अपना व्यक्तिगत पॉलिटिकल इंडिविजुअलिज्म भी तो है, उनकी अपनी विचारधारा हो सकती है। नहीं नहीं, कल को अगर उनको समाजवादी पार्टी अगर सीट का ऑफर करेंगी जैसा कि जेपी सिंह बता रहे हैं तो उस समय सारा विचारधारा खत्म हो जाएगा, फिर भारतीय जनता पार्टी वाली रहेगी। और दूसरा जो एक और जो बात अभी उठी थी, जया बच्चन की बात उठी थी, मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि कैसे राजनीतिक दलों का आइडियोलॉजी और कहाँ से कैसे ये बात करते हैं, जनता को कैसे बेवकूफ बनाते हैं। जया बच्चन के पति अमिताभ बच्चन तो एकदम भगवा रंग में उस दिन रंग के वहां पे अयोध्या में वो भी खरीद लिए हैं और नरेंद्र मोदी के भक्त हुए पड़े हैं जो अमिताभ बच्चन साहब हैं, और पत्नी समाजवादी पार्टी से लगातार वो क्रांति करते हुए जाती हैं। तो ये बड़े एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि जनता क्या एकदम इनको, जनता को इन्होंने बेवकूफ समझ रखा है। अभी सलीम शेरवानी साहब जिनकी बात हो रही थी वो समाजवादी पार्टी छोड़ गए, उनका भी यही ग्रीवेंसेस था कि मुसलमानों को प्रतिनिधित्व तो शायद राज्यसभा में उन्होंने नहीं दिया, अखिलेश ने नहीं दिया, उनका ये भी विरोध था। लेकिन इस मौके पे, इस जंक्शन पे आप क्यों विरोध कर रहे हैं, आप थोड़ा दिन और सेक्रीफाइस कर लीजिए। तो मैं सारों की बात कर रहा हूं, क्या स्वामी प्रसाद मौर्य, क्या जया बच्चन, क्या सलीम शेरवानी की, जब आप कह रहे हैं कि हम कम्युनलिज्म के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, आप एक विचारधारा और एक मतलब उसके लिए लड़ रहे हैं, तो आप मतलब कि हर तरफ अपना मतलब कि अगर इधर ना होगा तो इधर चले जाएंगे, इधर ना होगा तो उधर चले जाएंगे, ये एक बड़ी अजीब सी स्थिति है। और एक मैं एक इम्पोर्टेंट दूसरा बात बोलना चाहता हूँ कि देखिए इंडिया गठबंधन को लेकर जो उत्तर प्रदेश में जो खबर आई, तो इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक एस्पेक्ट तो ये अच्छा है कि मैं समझता हूँ कि जो नीतीश कुमार ने डेंट मारने की कोशिश करी थी तो वो डेंट से निकलते हुए आ रहे हैं। बिहार में सीटों का शेयरिंग भी लगभग स्थिति इनकी तय ही हो चुकी है, कोई बहुत ज्यादा विवाद है नहीं, और नीतीश कुमार के निकलने के बाद तो विवाद एकदम ही खत्म हो गया। और जो उत्तर प्रदेश में जो आप बात देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी सीट शेयरिंग हो ही गई 17 सीटों पे, और आज जो खबर आ रही है कि दिल्ली में भी सीट शेयरिंग हो गई है, 4 या 3 का फॉर्मूला चल रहा है, दिल्ली में 4 सीट पे आप लड़ेगी, 3 पे कांग्रेस लड़ेगी, और चंडीगढ़ सीट जो है आपने कांग्रेस को छोड़ दिया है। पंजाब में ये समझौता नहीं करेंगे, वो इसलिए भी नहीं करेंगे कि वहां पे इन्होंने अपना ही इनपुट लिया था कि अगर हम लोग समझौता करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि दोनों का निचला कैडर इतना एक दूसरे का दुश्मन हो चुका है कि समझौता करेंगे तो नाराज होकर कहीं तीसरे के गोद में बैठ जाएगा। तो समझौता करके लड़ने से अच्छा है कि आपस में लड़के सीटों को बांट लो। तो उत्तर प्रदेश में जो ये खबर आई है वो निश्चित रूप से क्या कहा जाता है वो इंडिया गठबंधन के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि जल्द ही एक और इम्पोर्टेंट स्टेट बस बच गया है, वो महाराष्ट्र है, जहां पे 3 दलों के बीच समझौता होना है। तो जो मेन जो है डीएमके से कोई लड़ाई उतनी है नहीं, एक बंगाल का मसला है, बंगाल का मसला है, तो बंगाल में भी मुझे लगता है कि 1-2 सीटों का मार्जिन पे समझौता कहीं ना कहीं हो जाएगा। तो इंडिया गठबंधन बाई एंड लार्ज नीतीश कुमार को अगर माइनस कर दीजिए तो बचा हुआ है अभी। और उत्तर, हाँ, जयंत चौधरी की जो बात हो रही है, तो जयंत चौधरी की जो बात हो रही है तो अभी 2-3 दिन से जब से किसान मूवमेंट शुरू हुआ है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जब सुबुगाड़ है, तो जयंत चौधरी की परेशानी बढ़ी हुई है इस समय कि अब वो क्या करें। चरण सिंह के भारत रत्न मिलने के बाद तारीफ तो कर दी, एनडीए में जाने के भी उन्होंने इशारा कर दिया, बात ही कर दिया, लेकिन अब उनकी परेशानी इसलिए बढ़ गई है कि उनको ये उम्मीद रही थी कि 3-4 दिन में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सुबुगाड़ शुरू हो जाएगी। दूसरे जो है कि सीट शेयरिंग को लेकर जो है एनडीए में मथुरा, बागपत, कैराना और बिजनौर 4 सीटों को मांग रहे हैं कि कांग्रेस भाजपा से। तो कैराना सीट पे बीजेपी का सिटिंग एमपी है, और जो बिजनौर सीटों मांग रहे हैं जयंत चौधरी, वो अपने लिए नहीं मांग रहे हैं, जो जेपी सिंह जो लगातार बातें उठाते हैं ना कि कुछ सीटों को थोड़ा सा छोटी पार्टियां जो है अपने खास लोगों को दे देती है। बिजनौर शायद रिजर्व नहीं है, जनरल है, वहां से भारतेन सिंह थे पहले कोई बीजेपी के, इस समय कोई और है,
पता नहीं कौन सांसद है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन वहां पे बिजनौर से एक बसपा के सांसद है मलूक नागर, मलूक नागर को जयंत चौधरी वहां से अपने दल से लड़ाना चाहते हैं भाजपा गठबंधन में, तो अभी उस पर एक थोड़ा पेच फंसा हुआ है। लेकिन अब चूंकि किसानों का एक बड़ा जो मूवमेंट जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी थोड़ी थोड़ी आर्ट है, तो उससे जयंत चौधरी के वोट बैंक पे में ही वो एक्टिविटी है फार्मर्स का, उसी कास्ट के ज्यादा फार्मर है, जाट है, तो उससे वो थोड़े से परेशान है। और एक जो इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि जो कांग्रेस को जो 17 सीटें दी गई है, एक सवाल लगातार घूम रहा है कि ये 17 सीटों पे कांग्रेस के पास क्या मजबूत कैंडिडेट लड़ने के लिए हैं, ये लगातार सवाल उठ रहा है। क्योंकि उसमें से एक सीट इलाहाबाद वाली भी है जहां से जेपी सिंह जी रहते हैं जिस शहर में, वो सीट शायद कांग्रेस की छोड़ी गई है, बनारस सीट छोड़ी गई है, कानपुर सीट छोड़ी गई है, कानपुर से तो पहले सांसद भी रहे हैं इनके श्री प्रकाश जायसवाल कांग्रेस के, मथुरा फतेहपुर सीकरी वाली सीट छोड़ी गई, इलाहाबाद से तो जेपी सर को ही लड़वाया जाए, जेपी सिंह की सीट छोड़ी गई है, इधर देवरिया छोड़ा गया है, महाराजगंज सीट छोड़ी गई है, देवरिया सीट छोड़ी गई है, एक शायद इधर अमरोहा सीट छोड़ी गई है, सहारनपुर सीट छोड़ी गई है, सहारनपुर से वाली सीट शायद पता नहीं इमरान मसूद को ही है, कांग्रेस में वापस आ गए कि नहीं आ गए, उनको कांग्रेस आ गए इमरान मसूद आ गए, वही लड़ेंगे। तो ये जो है इस तरह के हैं, तो अब इन सीटों पे अब जैसे जेपी सिंह जी बताएंगे कि इलाहाबाद सीट तो छोड़ दी, अब जेपी सिंह जी इलाहाबाद सीट जो कांग्रेस को छोड़ दी गई है, तो अब जेपी सिंह जी के एक बहुत सपा के सांसद है रेवती रमन सिंह जी, वो क्या करेंगे, वो भाजपा ज्वाइन कर लेंगे, या उनका पुत्र क्या करेगा, वो भी वहां से सांसद रहे हैं, तो जेपी सिंह जी कुछ चूंकि इस चीजों का खुलासा होना चाहिए उत्तर प्रदेश में कि बनारस में कांग्रेस के पास कौन कैंडिडेट है, नरेंद्र मोदी के सामने कौन लड़ पाएगा। कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव ने बड़ी चलाकी से 17 ऐसी सीटें दे दी कांग्रेस को टकेल के, जहां पे कांग्रेस को कई जगहों पे कैंडिडेट ढूंढने में मुश्किल आई। महाराजगंज सीट पे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि वो सुप्रिया श्री नाटे हैं, हर्षवर्धन सिंह की बेटी हैं, वो लड़ लेंगी। देवरिया सीट पे प्रियंका गांधी ने एकदम वीटो लगा दिया था जो मेरी जानकारी में है कि हमको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वहां पे जो लल्लू जी है जो पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष है वो प्रियंका गांधी के बहुत खास है, उनको प्रियंका गांधी वहां लड़ाना चाहती है। तो ऐसे ऐसे सीटों का एलोकेशन हुआ है, तो अब उन सीटों पे कांग्रेस की विनेबिलिटी भी एक इंपॉर्टेंट सवाल है कि कांग्रेस उसको कैसे मोबिलाइज करके अच्छे कैंडिडेट। अभी एक सवाल उठने लगा है कि कांग्रेस फिर वही तो नहीं करेगी जैसे विधानसभा चुनाव हुआ था कि टिकट बांट दिया, ऊपर से चंदा आया, चंदा मतलब जो पार्टी जो फीस लड़ने के लिए पैसा, जैसे ही कैंडिडेट ने अपने एक साइड में रखा, कुछ बाजार से उठाया और चुपचाप फिर अपना ऐसे बैठ गया। थोड़ा बहुत तो बीजेपी वाले भी दे देंगे कि तू प्रचार ना करो भाई, बीजेपी वाले तो आज की डेट में सीट जीतने के लिए कांग्रेस के किसी कैंडिडेट को 2-3 crore दे देंगे यार कि तू आराम से बैठ जाओ घर में, 5 crore दे दो जो लेना है लो। तो ये कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है कि ऐसे प्रॉब्लम सब कैसे निपटेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का 2-3% वोट आया है, और जैसा कि जेपी सिंह जी बता रहे हैं विधानसभा में 2-2.5% वोट था जो पीछे चुनाव हुआ था। तब जेपी सिंह जैसा कि बता रहे हैं कि भीड़ बहुत आई है राहुल गांधी की रैली में, इलाहाबाद में ही मैं देख रहा था कि जिस ढंग से भीड़ यूथ की आई थी और जिस ढंग से राहुल गांधी ने उनसे संवाद किया तो लगा कि एक जनता के बीच है उनका जन समर्थन। अब बात वही होती है कि जो यूथ की भीड़ आई है, जो लोग आए हैं, बनारस में भी बहुत अच्छी भीड़ थी, फिर उत्तर प्रदेश में वो प्रतापगढ़ होते हुए अमेठी भी गए, अमेठी रायबरेली उनकी ट्रेडिशनल सीट है, उस सीट पे कांग्रेस के पास अपने लड़ने के लिए और कहने के लिए बहुत कुछ है। मसला उठता है बनारस, इलाहाबाद, इन सारी सीटों पे कि जहां पे भाजपा से कांग्रेस कैसे लड़ेगी। सपा का वोट ट्रांसफर हो जाएगा लेकिन ईमानदार कैंडिडेट ढूंढना कांग्रेस के लिए एक बड़ी समस्या है। तो इलाहाबाद जैसे सीट पे भी अगर ये जेपी सिंह जी डालें, क्योंकि नेहरू की जन्मभूमि, नेहरू का कर्म भूमि, फूलपुर से वो सांसद रहते नेहरू थे, तो वहां पे आज कांग्रेस को खुद कैंडिडेट ढूंढने में अगर परेशानी होगी तो मैं समझता हूँ कि जेपी सिंह जी बेहतर प्रकाश डालेंगे। जेपी सर, क्या वाकई कांग्रेस वहां पे ये हाल है कि 17 अच्छे उम्मीदवार नहीं मिलेंगे? अजय राय बनारस से लड़ लेंगे मान लीजिए, तो एक तो सवाल ये है, दूसरा है कि अभी बसपा की ओर से कोई सुगुगाहट नहीं है, किधर यथास्थिति है? देखिए सर, सबसे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करते हैं जिनकी बेटी भाजपा में है और ये वहां थे, तो ऐसे सब मामलों में अक्सर दोनों हाथ में लड्डू रखने की नेताओं की प्रवृत्ति है। ये कभी नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया कि वो इधर शामिल हो रहे हैं तो अपनी लड़की से भी वहां इस्तीफा दिला करके, और फिर से उपचुनाव होता, उपचुनाव में
उपचुनाव में वो चुनाव लड़ती या न लड़ती तो दोनों हाथ में लड्डू लेने की बात है कि इस हाथ में लड्डू। और उत्तर प्रदेश में तो मैं ऐसे परिवारों को जानता हूं जिसमें अगर परिवार में चार लोग हैं तो चार पार्टी, कांग्रेस में भी हैं, बीपी सिंह के जनता दल में भी हैं, भाजपा में भी हैं। तो अभी जैसे विभाकर शास्त्री जो शास्त्री जी के पोते हैं वो अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं, अभी कांग्रेस में थे। सुनील शास्त्री जो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस में मंत्री रहे, कांग्रेस से बीपी सिंह के खिलाफ इलेक्शन लड़े थे, जो है जब बाई इलेक्शन हुआ था अमिताभ बच्चन के इस्तीफे के बाद, वो बीजेपी में है। तो और एक और थे जो बीपी सिंह के मंत्रिमंडल में, एक और शास्त्री मंत्री थे, वित्त राज्य मंत्री थे, उनके बारे में अभी क्लियर नहीं है कि वो कहाँ है। तो कहने का मतलब जितने लड़के हैं उतने के हिसाब इनकी अलग अलग विचारधारा, वहां सिद्धांत जो है तिरोहित हो जाता है। एक आदमी बीजेपी में, एक आदमी कांग्रेस में है, एक आदमी समाजवादी पार्टी में है, मतलब ये एक उत्तर प्रदेश का ख्याल चरित्र और चेहरा है। इसी में स्वामी प्रसाद मौर्य को भी रख के देखिए। और जहां तक जया बच्चन का सवाल, तो जया बच्चन ने बिना किसी मतलब छिपावे के, भले अमिताभ बच्चन उनके पति हों और वो जो है क्या कहते हैं इधर भी मलाई खा रहे हो उधर भी मलाई खा रहे हो, लेकिन जया बच्चन ने सरकार के को जो है, जो कहते हैं टूथ एंड नेल से जो है सरकार का जो है राज्यसभा में विरोध किया है। और वो बहुत ही मुखर सांसद रही है, न केवल सरकार के विरोध में बल्कि महिलाओं के सम्मान के समर्थन में भी रही है। इसलिए एक बार आलोक रंजन को लेके आप सवाल कर सकते हैं जो चीफ सेक्रेटरी है, कि उनको अखिलेश ने जो है क्या कहते हैं दे दिया, लेकिन जया बच्चन को लेके सवाल मेरे हिसाब से बेमानी सवाल है। और चाहे अमिताभ बच्चन भी हो तो क्या है, क्योंकि जया बच्चन ने कभी ऐसा कंप्रोमाइज करते हुए जया बच्चन नहीं दिखी कि अमिताभ बच्चन की राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए जया बच्चन ने कंप्रोमाइज किया। अमिताभ बच्चन अगर जो है गुजरात के गधों का प्रचार कर रहे हैं तो जया बच्चन उसमें खड़ी होकर साड़ी कभी जया बच्चन ने नहीं लहराया कि वो भी गधों के प्रचार में अमिताभ बच्चन के साथ विज्ञापन में शामिल हो जाए। तो ये जया बच्चन में अंतर है। आलोक रंजन को लेके हो सकता है क्योंकि वो नौकर साह रहे हैं, उनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं रही है, तो उनको टिकट देने के बजाय इनको राजनीतिक टिकट देना चाहिए था क्योंकि ये लोकसभा का चुनाव होने वाला है। अब आलोक रंजन को आपने किस्त फाइल में दे दिया, दो साल बाद फिर चुनाव होगा उस समय आप दे देते, लेकिन जो आलोक रंजन को दिया तो जया बच्चन का तो नाम उनके साथ भले शामिल कर लिया हुआ है लेकिन असली विरोध तो आलोक रंजन का है कि एक नौकर शाह को आपने जो है पॉलिटिकल लोगों पर क्यों तरजीह दी। अब उनसे तो बेहतर जो है क्या कहते हैं राज्यसभा के मेंबर सलीम शेरवानी हो सकते थे, उनसे बेहतर इलाहाबाद में रेवती रमन सिंह हो सकते थे। तो ऐसे लोगों के रहते हुए आपको आलोक रंजन समझ में आए, क्योंकि जो नौकर शाह थे जिन्होंने आपकी सिर्फ जो है क्या कहते हैं चाटुकारिता के अलावा ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि आलोक रंजन व्यक्तिगत रूप से बहुत शरीफ आदमी है, प्रयागराज में वो रह चुके हैं, मैं उनको व्यक्तिगत रूप से जानता हूं, उनके अच्छाई में कोई कमी नहीं है, उनके मृदुभाषी हैं सब हैं, लेकिन उनकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड तो नहीं है ना। तो जहां पॉलिटिक्स चल रही हो वहां पॉलिटिक्स की जगह आपने आलोक रंजन को टिकट दे दिया। अब दूसरी बात बनारस में पहले अजय राय का नाम था, लेकिन अजय राय का नाम अब बलिया से चल रहा है जहां के ओरिजिनल निवासी हैं अजय राय, जो उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष हैं। वो सीट भाजपा के सपा ने कांग्रेस के लिए छोड़ी नहीं, वो तय हो चुका है। अभी तो नाम आ रहा था कि बलिया सीट भी छोड़ी नहीं, है। नहीं वो बलिया सीट छोड़ी नहीं है, जो संभावित जो 17 सीटें आ गई उसमें बलिया नहीं है, बलिया ने बहरहाल एक चर्चा थी कि बलिया है तो बलिया में हो सकता है कि भाई अजय राय को टिकट मिल सकता है, क्योंकि अजय राय का नाम भी वहां से बलिया से कांग्रेस से चल रहा था और अजय राय मूलतः वहीं के रहने वाले हैं, बनारस में ये लोग रहते हैं लेकिन मूलतः रहने वाले अजय राय बलिया के। अफजाल अंसारी को गाजीपुर में टिकट मिल गया है और बलिया में अगर कोई जो है सही ढंग से कैंडिडेट खड़ा किया गया, चाहे सपा खड़ा करे चाहे जो है कांग्रेस खड़ा करे, जिसको भी मिले, तो उस अफजाल अंसारी के आने के बाद उसके जीतने की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि गाजीपुर की भी दो विधानसभा सीटें बलिया जो है प्रापर में आ गई है, जिस पर अफजाल अंसारी का या अंसारी बंधुओं का काफी प्रभाव है। पिछली बार जो है चूंकि अखिलेश ने उन्हीं के नाम पर पार्टी का विभाजन करा दिया था, शिवपाल अलग हो गए थे अफजाल को ही शामिल करने के विरोध में, अफजाल बीएसपी में लड़े थे, तो उसके से सपा को भी वहां पूरी उत्तर प्रदेश में काफी नुकसान हुआ, और उसी में नुकसान नहीं हुआ विधानसभा में भी काफी नुकसान हुआ। खैर अब इलाहाबाद सीट में ऐसे देखने में तो कोई नहीं लग रहा कि जो कांग्रेस से चुनाव लड़ेगा, एक अनुग्रह नारायण सिंह है जो एमएलए रहे हैं लेकिन कई चुनाव से वो भी लगातार हार रहे हैं, उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, लेकिन इलाहाबाद से कांग्रेस कोई
अचानक जो है चमत्कारिक कैंडिडेट खड़ा कर सकती है। और अगर सलीम शेरवानी भी इलाहाबाद से कांग्रेस के टिकट पर जो है खड़े हो जाए तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। कांग्रेस ने इलाहाबाद में पत्ते नहीं खोले हैं और इलाहाबाद के किसी भी कांग्रेसी से बात करके देखिए तो खाली कयासी लगा रहा है कि कौन यहां से खड़ा हो सकता है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मानना है कि अगर राहुल गांधी या प्रियंका गांधी में से कोई दोनों में से एक खड़ा हो जाए इलाहाबाद या फूलपुर जो बगल की सीट है तो आप समझिए कि बाकी लोगों का जो है बाजा बज जाएगा, ये 100% गारंटी है। दूसरे के नाम पर बजेगा कि नहीं ये हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक कैंडिडेट खड़ा हो जाए तो यहाँ बाजा बज सकता है। दूसरी बात, यहाँ कांग्रेस कोई मजबूत ब्राह्मण उम्मीदवार भी उतार सकती है, हो सकता है भाजपा से ही आए हुए किसी को जो है इलाहाबाद में उतार दे, क्योंकि यहाँ कई लोग जो है उसके ऊपर फेंस पर बैठे हुए हैं कि इधर जाए कि उधर जाए। अभी फ्लूड पोजीशन है, 15 दिन में एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो ये तो इलाहाबाद की मतलब स्थिति का सवाल है। अब देखिए वहां पूर्वी दिल्ली, उत्तर पूर्वी दिल्ली और चांदनी चौक मिल रही है कांग्रेस को दिल्ली में, और बाकी 4 सीटें जो है आप लड़ेगी। और वहां पंजाब में जैसा संजीव भाई ने बताया वहां उसी तरह की फाइट होगी जैसे केरल में हो रही है लेफ्ट फ्रंट और डेमोक्रेटिक फ्रंट में, वहां उसी तरह की फाइट होगी जैसे बंगाल में हो रही है। क्योंकि बंगाल में अगर ये सब एक हो जाएंगे तो जो इनसे असंतुष्ट ग्रुप है वो भाजपा की ओर जाने में जो है वो नहीं बनेगा, इसीलिए वहां लेफ्ट फ्रंट भी बिल्कुल वो है कि हम अलग से लड़ेंगे, हम अपना वोट जो है वो क्या कहते हैं मतलब किसी एक में शिफ्ट नहीं होने देंगे। क्योंकि अगर उनका है कि अगर हम इनके साथ मिल गए तो हमारा जो वोट है जो आपस में लोअर लेवल पर जो टीएमसी से और लेफ्ट की लड़ाई है उसमें वो वोट उनको हराने के लिए जो है क्या कहते हैं बीजेपी की ओर जा सकता है। क्योंकि चिड़ की स्थिति जैसे पंजाब में है वैसे वहां ये पैदा हो गई है कि हमारे आपस में जो है अगर हम मिल गए तो जो इनसे असंतुष्ट ग्रुप है वो जो है क्या कहते हैं कहीं हमको हराने के लिए और कहीं उनको हराने के लिए वो जो है क्या कहते हैं भाजपा अकाली दल के पास वापस जा सकता है। तो उस गैप को नहीं होने देने के लिए ये जो है वहां पर भी वो फ्रेंडली टाइप की फाइट होगी। बाकी इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है और वहां एक जो शरद पवार से जो आशा की जाती थी कि वो इधर हो जाएंगे कि उधर हो जाएंगे, अजीत पवार ने ऐसा वहां पासा पलटा है कि शरद पवार के सामने महाविकास अघाड़ी में रहने की मजबूरी है। और यहां तक कि कहीं ना कहीं अंदर खाने बीजेपी कांग्रेस उसका जो है आपके सुप्रिया सूले के जो है राजनीतिक पुनर्वास पर कांग्रेस में शामिल होने की भी कहीं ना कहीं अटकलें चल रही हैं। और राजनीति में आप जानते हैं कि जो बात कही जाती है नहीं वो अक्सर हां में बदलती है अंत में। शरद पवार ने हालांकि इसका खंडन किया है सुप्रिया सूले ने कि नहीं हमारी पार्टी शामिल नहीं होगी, लेकिन जिस तरह अजीत पवार ने वहां सेंध लगाई है चूंकि केंद्र की सरकार उनके साथ है, कोर्ट जो है क्या कहते हैं वो ढुलमुल टाइप का रवैया है, उसका कोई स्पष्ट रवैया नहीं है। इसलिए अगर वो उसमें शामिल भी हो जाए, अभी शामिल हो जाए या जो है चुनाव के बाद कांग्रेस में शामिल हो जाए जो है शरद पवार ग्रुप, तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जी चलिए एक आखिरी सेगमेंट लेते हैं। अगर ये फर्ज किया जाए कि अखिलेश यादव और कांग्रेस, सपा और कांग्रेस एक तरफ लड़े, जयंत एनडीए में आ जाए, बहन जी एक तरफ लड़े और मौर्या साहब की नई पार्टी है पूर्वांचल में थोड़ा सा उनका बेस होगा, वो सब सारी पार्टियां मिलकर लड़े, तो सोशल बेस के हिसाब से एज ऑफ नाउ आज की तारीख में अगर हम एनालिसिस करें, बसपा तो अलग ही लड़ेगी, तो मतलब कौन सा वोट सेगमेंट का कहां जाएगा? जहां तक मेरी समझ है कि अपर कास्ट इंटैक्ट है वोट पूरा उत्तर प्रदेश में, इसके अलावा जो बिजनेस कम्युनिटी है भले ही दो अभी अमर बैठा हुआ बहुत खुश है कि दो कायस्थ राज्यसभा में चले गए, बल्ले बल्ले हो गई कायस्थ होगी तो कायस्थ लोग तो वोट देगा बीजेपी को, तो आखिर कहां सेगमेंट पॉसिबल कौन सा है? मुसलमान तो हो सकता है, कांग्रेस सपा के गठबंधन से हो सकता है इधर खिसके मुस्लिम वोट, कहां से क्या आएगा, क्या बन रहा है, कॉम्पोजिशन क्या बनेगा? संजीव जी थोड़ा सा, फिर थोड़ा जेपी सर। देखिए बात सर ये है ना कि सपा ब्लॉक या कांग्रेस ब्लॉक जो इंडिया गठबंधन है इनका एक वोट बैंक तो इनके पास फिक्स है, यादव मुस्लिम ये फिक्स है, इसमें कहीं कोई क्वेश्चन नहीं है। लेकिन एमबीसी और डोमिनेंट नॉन यादव ओबीसी वेस्टर्न यूपी के एग्रीगेरियन कास्ट और प्लस जो शेड्यूल कास्ट वोट में जो तीन सेगमेंट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जो सबसे मजबूत सेगमेंट जिसका लीडरशिप मायावती के पास है, तो ये सारे वोट इकट्ठे नहीं है।
अब इसका ये कैलकुलेशन लगाया जा सकता है कि जैसे नॉन यादव डोमिनेंट वोट कुर्मी है, कुर्मी का एक बड़ा तबका बीजेपी के साथ भी है, कुर्मी का कुछ तबका अनुप्रिया पटेल के साथ भी है, कुर्मी का कुछ तबका जो है जैसा कि आप बता ही रहे हैं कि वो पल्लवी पटेल के साथ भी एक छोटा सा तबका है, और कुशवाहा जाति का तो चार नेता बता ही दिया जेपी सिंह जी ने कि अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग नेता बैठे हुए हैं। तो सवाल ये है कि जो इस तरह के वोटों के बंटवारा में एक बात तो चाहे कोई माने ना माने, यही कारण है कि बीजेपी का कॉन्फिडेंस हाई है, लेकिन बीजेपी कहीं भी कोई भी फील्ड से कहीं से भी एक लीकेज नहीं छोड़ना चाहती है, तो हर तरह के लोगों को इधर से उधर से, उसको भी ले आओ, उसको भी ले आओ, जयंत को भी ले आओ। अब जयंत को लाना उनकी मजबूरी है क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा भी अगर ये वोट अगर टूटता और अगर ये सपा गठबंधन में रहता, अगर रहते इंडिया गठबंधन में जयंत चौधरी, तो निश्चित रूप से 7-8 सीटों पर इसका एक वोट बैंक का प्रभाव पड़ता है। तो अब ये है कि एक और इसके साथ एक इंपॉर्टेंट मसला है कि आप कैंडिडेट कितने ऑनेस्टली तय करते हैं, कि वो कितने लड़ने की क्षमता रखते हैं, उनका क्या कहा जाता है, वो कहीं कमजोर कैंडिडेट तो आपने खड़ा नहीं किया है, या बहुत फिक्सिंग भी हो जाती है कि ठीक है अखिलेश यादव नहीं फिक्स कर रहे हो, लेकिन अखिलेश यादव के इर्द गिर्द कुछ ऐसी टीम बैठी हो जो बीजेपी के कहने पर कैंडिडेट ऐसे फिक्स कर दें, उधर उसको कमजोर कैंडिडेट दे दें। बिहार में ऐसा ही हुआ था, तेजस्वी यादव ने कांग्रेस की सीटें छोड़ दी ज्यादा, और कांग्रेस में बीजेपी के स्लीपर सेल ने कई ऐसी सीटें बंटवा दी जहां जिसके कारण सीधा के सीधा महागठबंधन था उसको नुकसान हो गया। तो अभी भी अखिलेश यादव ने कुछ सीटों की घोषणा करी है, उसमें से कुछ हमें बता रहे थे कि 2-4 सीटों पे इन्होंने वीक कैंडिडेट दिए हैं बीजेपी के अगेंस्ट, हमें कुछ लोग बता रहे थे कितना सच्चा बात था, लेकिन उनका एक अपना एनालिसिस था कि कैंडिडेट बीजेपी के अगेंस्ट वीक है और इससे अच्छे कैंडिडेट ये दे सकते थे और बीजेपी से वो बहुत अच्छी फाइट करते। तो ये सब सारी बात है कि जेपी सिंह जी बहुत बेहतर बताएंगे कि अब जैसे जेपी सिंह जी के बताते ही हैं कि सपा में भी एक स्लीपर सेल है जो अपने तरीके से बीजेपी उसको डील करती है। तो अब डिपेंड है कि कास्ट का इक्वेशन देखिए, बहन जी के पास एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और वो अगर इंडिया गठबंधन में आता तो उसका बहुत फायदा इंडिया गठबंधन को मिलता, अगर मायावती जी अपने इंडिया गठबंधन में आ जाती तो। लेकिन अब चूंकि वो 11-12% वोट लेके जो बहन जी चल रही हैं, अगर वो अकेले चलेंगी तो उसका सीधा लाभ बीजेपी को होगा, ये मान के चलिए। और वैसे ही मायावती बीजेपी के इशारे पे कुछ जगह सपा के अगेंस्ट मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर दिया, इंडिया गठबंधन के अंदर कुछ मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर दिया, वो मान के चलिए कि 10-20 हजार 30 हजार वोटों का ही नुकसान कर गया, तो भी नुकसान इंडिया गठबंधन का हो रहा है। तो मेरा ये मानना है कि अभी मामला बिहार जैसा स्पष्ट उत्तर प्रदेश में मुझे दिख नहीं रहा है, क्योंकि एक तो बहुत बड़ा स्टेट है क्षेत्रफल के हिसाब से और लोकसभा के हिसाब से भी, बिहार में कहां 39-40 सीटें हैं और कहां उत्तर प्रदेश में जस्ट डबल है 80 सीटें हैं। और तो ये इन परिस्थितियों में मतलब कि अभी बहुत सारे फेरबदल भी होंगे, जैसे अभी मैंने सिंह साहब से एक सवाल पूछा था कि अगर इलाहाबाद सीट कांग्रेस की चली जाएगी तो वहां पर सपा के एक बहुत मजबूत सांसद रहे हैं देवती रमन सिंह, वो आगे क्या करेंगे, क्या वो भाजपा में जाएंगे या कहीं और जाएंगे। तो ऐसे फेरबदल हर जिलों में होगा, कोई इधर भागेगा कोई उधर भागेगा। तो अभी मेरा ये लग रहा है कि इंडिया गठबंधन को अब गठबंधन होने के बाद प्रायोरिटी ये रखना होगा कि कितने मजबूत कैंडिडेट खड़ा कर रहे हैं, जो मुझे अब लग रहा है कि इंडिया अलायंस में अभी मैं यूट्यूब पे अभी आधा घंटा से मैं देख रहा हूँ कि फिर एक खबर चल रही है कई यूट्यूब चैनलों पर कि बहन जी एकदम इंडिया गठबंधन में आने वाली है, लेकिन जो अब हालात बन गए उस हिसाब से मुझे नहीं लग रहा है कि बहन जी इंडिया गठबंधन में आ रही है और वो इंडिपेंडेंट रहेंगे। जिस ढंग से उनकी पॉलिटिकल एक्टिविटी भी नहीं दिख रही है, उस ढंग से जिस ढंग से बाकी लोग घूम रहे हैं, उस ढंग से बहन जी को उतना एक्टिव पॉलिटिकल एक्टिविज्म मुझे उत्तर प्रदेश में नहीं दिख रहा है, जबकि दो महीने ढाई महीने चुनाव के रह गए हैं और उत्तर प्रदेश उनका मेन बेस स्टेट है। तो वो उस हिसाब से लग रहा है कि उन्होंने 80 कैंडिडेट तय कर रखे हैं, वो लड़ा देंगे अपने हिसाब से और उसका लाभ निश्चित रूप से भाजपा को मिल जाएगा, मेरा तो ये मानना है। जी जेपी सर, देखिए सर, उत्तर प्रदेश में बहन जी के जो सांसद हैं उसमें कई सांसद कांग्रेस से, कई सपा से, कई और दलों में बीजेपी से भी अपनी दूरी बढ़ा रहे हैं। अब जो कांग्रेस ने अमरोहा की सीट जो है जो ली है, जिस पर अखिलेश ने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया था, उसमें दानिश अली हैं जो राहुल गांधी के साथ घूम रहे हैं और संभवतः दानिश अली के लिए उन्होंने वो अमरोहा की सीट, जो अभी समझौते में 1-2 सीटों का फेरबदल हुआ है, अमरोहा की सीट ले ली है। लेकिन अमरोहा से वो चूंकि जीते थे तो इनकी इनकम्बेंसी में कहीं और भी जा सकते हैं, किसी और को अमरोहा मिल सकता है। तो ये सब संभावनाएं आशंकाएं भी में चल रही हैं।
लेकिन बहन जी बिल्कुल सन्नाटे में है और बहन जी के कैंडिडेट बिल्कुल सन्नाटे में है। और पिछले विधानसभा चुनाव में ये देखा गया था टेक्टिकल ट्रांसफर कि जिसमें आपके जो है वो क्या कहते हैं कुछ सीटों पर छोड़ करके जहां मुसलमानों के अच्छे कैंडिडेट थे उनको छोड़ के बहन जी की पार्टी में जो है वो क्या कहते हैं जैसे मुसलमान शिफ्ट हुए आपके क्या कहते हैं सपा में और कुछ कांग्रेस में भी शिफ्ट हुए। और इस बार ये शिफ्टिंग और भी हो सकती है और अगर अखिलेश और इनका जो समझौता हुआ है तो इसमें कहीं ना कहीं वोट बैंक का भी दबाव है। क्यों? क्योंकि अल्पसंख्यक वर्ग का लगातार ये दबाव है कि कांग्रेस के साथ समझौता कीजिए और नहीं तो जो है आपकी जो ढुलमुल जो है बीजेपी के प्रति, क्योंकि उनकी इमेज ये बन रही थी कि कोई है उनके यहाँ ऐसा जो समझौता नहीं होने देना चाहता। और ये बात सीधे रामगोपाल पर उठ रही थी और स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी खुल करके रामगोपाल यादव पर उठाया क्योंकि उनका यादव सिंह जो उत्तर प्रदेश में एक इंजीनियर था जिसके लंबे घोटाले में इनके लड़के बहू सबका नाम है हाईकोर्ट की फाइलों में दर्ज, तो ये कहा जाता था तो इनके लिए भी था कि अगर हम समझौता नहीं करेंगे तो हमारी क्रेडिबिलिटी जो है मतलब प्रभावित होगी। बाकी जो 17 सीटें इन्होंने दी है वो कांग्रेस ने मांगी है, कांग्रेस के बिना मांगे कांग्रेस को इलाहाबाद की सीट या कोई और सीट नहीं मिली, ये कांग्रेस ने मांगी है। और इलाहाबाद की सीट और बनारस की सीट ये प्रतीकात्मक सीट है, जैसे बनारस में प्रधानमंत्री को चैलेंज कोई और पार्टी क्यों दे, कांग्रेस देगी चाहे हारे या जीते। इसी तरह इलाहाबाद चूंकि जो है आपके जवाहरलाल नेहरू का जो है की कर्मभूमि रही है, लाल बहादुर शास्त्री की कर्मभूमि रही है, इसलिए भी वो चाहते हैं कि इलाहाबाद से हम चाहे हारे या जीते लेकिन प्रतीकात्मक रूप से हो कि हम इलाहाबाद से चुनाव लड़े या चुनाव लड़ने के मैदान में हैं। अब वो भी केवल दो ही हैं तो दो ही जगह से लड़ सकते हैं, दो दो जगह से लड़े तो चार जगह से लड़ सकते हैं, तो कहां कहां से लड़ेंगे? नहीं तो इलाहाबाद से भी ये जो है भाई बहन में से कोई एक लड़ता तो जो है बहुत ही स्थितियां जो है क्या कहते हैं दूसरी होती है। और ऐसा बीजेपी के लोग भी मान रहे हैं कि अगर नेहरू जी की जो पैतृक सीट है वहां से अगर गांधी परिवार का कोई लड़ जाए तो बाकी लोगों के लिए जो है चुनाव जीतने के लाले पड़ सकते हैं। रेवती रमन सिंह बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं लेकिन वो अभी इस बार शुरू से पॉलिटिकल पोजीशन जो है बहुत फ्लूड देखते हुए उन्होंने ऐसे तो घोषित कर रखा कि वो बहुत महंगा चुनाव हो गया है, वो इस चुनाव में नहीं लड़ना चाहते। और बाकी उनके नाम पर कहीं विचार हुआ हो नहीं हुआ हो बीजेपी में जा रहे हैं, हमेशा बीच बीच में अफवाह उड़ती है, कोई कहता है कि वो बीजेपी में जाने वाले हैं तो उज्ज्वल रमन सिंह भी सपा से लड़ेंगे। अभी सपा ने भी हालांकि प्रयागराज में कोई कैंडिडेट घोषित नहीं किया था, अब वो कांग्रेस को उन्होंने टिकट दे दिया, लेकिन अभी फूलपुर बगल वाली सीट है जहां से भी अभी सपा का कैंडिडेट की घोषणा नहीं हुई है। हल्ला होता है पल्लवी पटेल लड़ेंगी, पल्लवी पटेल लड़ेंगी क्योंकि यहाँ पटेलों की आबादी काफी है। सपा के भी जंग बहादुर सिंह पटेल वहां से एमपी रह चुके हैं, धर्मराज पटेल एमपी रह चुके हैं, तो पटेल वहां से एमपी रह चुके हैं, लेकिन उसमें शहर की भी 2 विधानसभा सीटें शामिल हो गई है, शहर उत्तरी और शहर दक्षिण। शहर उत्तरी बैडली डोमिनेटेड बाई अपर कास्ट है जहां जो है वो भाजपा को तो वोट मिलता है बाकी सपा को वहां वोट कम मिलता है। शहर पश्चिमी मिलीजुली आबादी है जहाँ बैकवर्ड भी है, जहाँ मुसलमान भी है, जहाँ अपर कास्ट भी है, यहाँ का मामला मिला जुला है। लेकिन वो जो शहर उत्तरी है जहाँ अपर कास्ट डोमिनेटेड है वहां जो एक बगहा वोट मिलता है बीजेपी को वो जीत हार में बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। लेकिन इसके अलावा भी फूलपुर में मुस्लिम भी एमपी रहे हैं, यादव भी एमपी रहे हैं, इसलिए यहाँ मुसलमान और यादव कैंडिडेट भी खड़ा होने पर वो अच्छी फाइट दे सकते हैं, वो कमजोर फाइट नहीं दे सकते। और यहाँ कोयरियों की संख्या भी एक दो विधानसभा क्षेत्र में जो है बहुत ज्यादा है, तो फाफामो विधानसभा क्षेत्र है वहां कोयरी डोमिनेटेड है, ज्यादातर कोयरी वहां से जो है वो क्या कहते हैं एमएलए हो जाते हैं। तो ये इस तरह की सब फ्लूड पोजीशन है, अभी जब तक कैंडिडेट ना है तब तक बहुत स्पष्ट रूप से नहीं कहना है। इसके अलावा जब भी आप चुनाव पर बात करें और पिछले रिजल्ट की बात करें तो ईवीएम को ना भूलें, क्योंकि कई जगह था कि ये जीत रहे हैं और ईवीएम ने हरा दिया। और संघमित्रा मौर्य की जो जीत थी बदायूं में, वहां कोई भी जीतता संघमित्रा मौर्य अगर ईवीएम नहीं चलता तो नहीं जीतती, ये गारंटीड है। चलिए तो चलते चलते एक छोटा सा सवाल कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी बना दी है, कई छोटे छोटे दल उनके साथ है, कितना बड़ा फैक्टर होगा लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में? छोटी छोटी त्वरित टिप्पणी। देखिए मेरे हिसाब से कोई बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाएंगे वो, और अगर थोड़ा बहुत डालेंगे भी तो इंडिया गठबंधन का नुकसान होगा, वो बीजेपी की मदद होगी, मेरे तो बस एक लाइन की टिप्पणी।
जेपी सर देखिए उनका उनका प्रभाव नेग्लिजिबल है, क्यों? क्योंकि वो पराभव की ओर है। वो पिछली बार जो कुशीनगर जहां जोगढ़ से चुनाव लड़ते थे वहां वो बैडली हार गए, हालांकि उन्होंने यहां तक नाटक किया था कि जो है वोट पड़ने के पहले क्योंकि काफिले पर हमला हुआ है, ये हमला हुआ है, जबकि जो है अंत में वो मीडिया और उसमें आया कि सब जो है प्रायोजित हमला और फर्जी हमला दिखाकर ये विक्टिम कार्ड खेल रहे थे और वहां वो हार गए कुशीनगर स्वामी प्रसाद मौर्य। और स्वामी प्रसाद मौर्य समझौते के तहत विधान परिषद में है, स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वो क्या कहते हैं विधानसभा में मुख्य धारा में नहीं है, विधान परिषद में है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य का इफेक्ट नेग्लिजिबल होगा और 1% 2% 1.5% जो भी वोट काटें। और मैं समझता हूं कि जयंत चौधरी का भी नेग्लिजिबल होगा क्योंकि उनके पास भी 1.78% ही वोट जो है अपने खाप का है, बाकी वहां का जो आपका क्या कहते हैं जाट समुदाय है वो बलियान और दूसरे खापों का है, वो पंवार खाप का नहीं है, पंवार खाप के हैं ये माइनॉरिटी में है जो दूसरे के साथ है। किसान आंदोलन और सत्यपाल मलिक का कांड होने के बाद वहां के जाटों का बीजेपी को कितना समर्थन मिलेगा ये भी चुनाव में देखने वाली चीज होगी। चलिए शुक्रिया सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों ये था विस्तृत विश्लेषण उत्तर प्रदेश चुनाव का, देखते रहिए अंबेडकर नामा, जल्दी मिलते हैं। हाँ बोला, शुक्रिया।